सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं। ये खुलासे शशि थरूर की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। ये बड़े खुलासे क्या हैं? आपको एक एक करके बताते हैं। सुनंदा मर्डर केस में खुलासा नंबर एक, सुनंदा की उंगलियों के बीच इंजेक्शन का क्या राज है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा के हाथ की दो उंगलियों के बीच जहर के इंजेक्शन लगाए गए थे। इंजेक्शन लगाने के निशान सुनंदा के डेड बॉडी पर मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया, जिससे सुनंदा की हथेली और नाखून नीले पड़ गए थे। सुनंदा की मौत से पहले ये इंजेक्शन लगाया गया था। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में खुलासा नंबर दो, सुनंदा के शरीर पर 12 चोटों के निशान का सच क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुनंदा के शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा चोट के निशान हैं। ये चोट शरीर के बाहरी हिस्सों में लगे हैं। ये चोटें इतनी मामूली हैं कि इनसे मौत नहीं हो सकती, लिहाजा मुमकिन है कि मौत से पहले सुनंदा ने हत्यारों से संघर्ष किया हो और उसी दौरान ये चोट लगी हो। खुलासा नंबर तीन, शरीर पर दांत के काटने के निशान, कैसे? सुनंदा के शरीर पे न केवल इंजेक्शन बल्कि एक और निशान ने एसआईटी को उलझा दिया है। सुनंदा पुष्कर के शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान मिले थे। पुलिस ने खुलासा पहले नहीं किया था। सुनंदा के शरीर पर कुल 12 चोट के निशान हैं, जिसमें 10वां निशान इंजेक्शन का है, जबकि 12वां निशान दांत से काटे जाने का है। खुलासा नंबर चार, सुनील साहब कौन है? सुनंदा पुष्कर की मर्डर मिस्ट्री में एक नाम ने पुलिस को भी उलझा दिया है। पुलिसिया जांच में किसी सुनील साहब का नाम सामने आया है। थरूर के नौकर नारायण ने एसआईटी को बताया है कि मौत से दो दिन पहले कोई सुनील साहब होटल लीला के कमरे में सुनंदा के साथ थे। नारायण के मुताबिक उस शख्स ने सुनंदा को ट्वीट करने और मैसेज को कॉपी करने में मदद दी। फिलहाल इस सुनील की पहचान नहीं हो पाई है। खुलासा नंबर पाँच, मर्डर के बाद सुनंदा का कमरा किसने साफ किया? सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में ये भी खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत के बाद किसी ने उसका कमरा ठीक किया। सुनंदा की लाश 17 जनवरी 2014 को लीला होटल के रूम नंबर 345 में मिली थी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, तो सुनंदा का सिर तकिए के नीचे था, जबकि बाकी हिस्सा रजाई से ढका था। पुलिस सूत्र कहते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद रूम पूरी तरह से ठीक किया गया था और लाश के पास जानबूझकर एंटी डिप्रेशन दवा की खाली स्ट्रिप छोड़ी गई। मौके से बरामद दो स्ट्रिप से 27 गोलियां नदारद थी। इसी खाली स्ट्रिप के आधार पर पुलिस ने शुरू में कहा था कि मौत की वजह दवाओं का ओवरडोज हो सकती है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी किसी दवा के पाए जाने का जिक्र नहीं है। खुलासा नंबर छह, सुनंदा थरूर के बीच झगड़े होते थे। कैमरे पर हंसते मुस्कुराते इस जोड़ी की आपस में नहीं बनती थी। ये खुलासा खुद सुनंदा और शशि थरूर के नौकर ने किया है। एसआईटी की 6 घंटे की पूछताछ में नौकर ने बताया कि हत्या से पहले भी थरूर और सुनंदा के बीच झगड़ा हुआ था। थरूर के नौकर नारायण ने यह भी बताया कि त्रिवेंद्रम से आते हुए हवाई जहाज में सुनंदा ने थरूर के सारे फोन अपने पास रख लिए थे। सुनंदा ने थरूर से कहा था कि वो उसकी तबीयत का ध्यान नहीं रखते हैं। नारायण ने यह भी बताया कि सुनंदा ने मौत से पहले थरूर को फोन करके कहा था, तुम बर्बाद हो चुके हो, मैंने मीडिया को सब कुछ बता दिया है। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि सुनंदा मीडिया को क्या बताने की बात कह रही थी। जाहिर है इस बड़े खुलासे के बाद शशि थरूर से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब नहीं मिलने के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या थरूर पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक सकती है। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस वक्त थरूर खुद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं केरला में। माना जाए कि क्या दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस धर लेगी। हमारे साथ हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त। रवि, एक साल लग गया पुलिस को जागने में, जब इतनी इनकॉन्ग्रुटीज इस पूरे के पूरे मामले में थी, इतने सवाल थे, क्राइम सीन का ड्रेसिंग अप की भी अब बात आ रही है। अब ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लास्ट सीन एविडेंस, लास्ट सुनंदा को कब देखा गया और मौत का एग्जैक्ट समय क्या था, जो गुत्थी सुलझाने में अब सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। रवि,
जाहिर तौर पर देखिए, अब उन फुटेज को जो ली थी होटल लीला पैलेस से दिल्ली पुलिस ने आपसे करीब एक साल पहले, जब 17 जनवरी को ये पूरी वारदात पेश आई थी पिछले साल में, उनको फिर से एग्जामिन किया जा रहा है और उसी के आधार पर नई नई चीजें, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब ये वारदात हुई थी 13 से 18 जनवरी के बीच, हमारे सूत्र बताते हैं कि तीन लोग जो कि दुबई से आए थे और फर्जी पासपोर्ट, जिनके जो पासपोर्ट थे जो उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर होटल में जमा कराए थे, वो फर्जी थे और वो लोग 18 तारीख को होटल छोड़कर वापस चले गए थे। वो लोग कौन थे, ये एक बड़ा सवाल है पुलिस के सामने और इसीलिए लगातार इस जो पूरे केस के तार है वो दुबई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर, ये जो सुनील साहब की बात सामने आई है, ये भी एक अहम किरदार है क्योंकि इसके एंट्री रजिस्टर में इसके आने की वहां पर मौजूदगी तो दर्ज होती है, लेकिन ये नहीं पता कि किस मकसद से आया था और अभी तक जो भी पूछताछ हुई है नौकरों से या फिर शशि थरूर से, जो भी शुरुआती दौर में पूछताछ हुई थी बीते साल में, उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया अब तक कि ये सुनील साहब नाम का शख्स कौन हो सकता है जो अकेले कमरे में जो सुनंदा के साथ में बात करता है और काफी देर तक उनकी बातचीत होती है, ये क्या मसला था। जहां तक नारायण से बात हो रही है जो कि नौकर था, इनका डोमेस्टिक हेल्प था शशि थरूर का और अभी भी लगातार केरल में शशि थरूर के पास ही रहता है, उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उससे जो पूछताछ हुई है उसमें भी कई ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं जो अब सारे मामले को बेहद संदेहास्पद बना रही हैं और लग रहा है कहीं ना कहीं कोई बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक गहरी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम। हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 17 जनवरी को पिछले साल सुनंदा की मौत हुई थी, एक साल लग गया, कई अनसुलझे सवाल है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।